साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जनवरी, फरवरी और मार्च हम लोग कर चुके हैं, अब बारी है किसकी, अप्रैल की। तो अप्रैल को अपने को पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको अप्रैल को पढ़ना है प्रे से, प्रार्थना, प्रार्थना करना, अपने को प्रे करना है, भगवान की प्रे करेंगे हम, तो प्रे से पढ़ना। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया साइड में, प्रे करना। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाकी के तीन वीडियो में हटा नहीं था लेकिन इसमें मेरे को याद आई है, तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अप्रैल को अपने को प्रे से पढ़ना है। 7 अप्रैल को मनाया जाता विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो अपन उसका क्या करेंगे, साथ देंगे और भगवान से प्रे करेंगे इसका क्या कर दे, स्वास्थ्य ठीक कर दे भाई का। तो जिसका स्वास्थ्य खराब होगा उसका साथ देंगे और भगवान से प्रे करेंगे। प्रे पढ़ना है अपने को अप्रैल को। ठीक, आगे 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती है, जिन्होंने क्या कर दिया, प्रार्थना करके क्या बनाया था, संविधान बनाया था। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि ये तो बहुत फेमस चीज है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 17 पे खतरा हो जाएगा अगर किसी को हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाएगी। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव होता है। इसको अधिर रक्त स्त्राव भी बोलते हैं हिंदी में, अधिर रक्त स्त्राव मतलब बहुत ज्यादा रक्त बहने लग जाता है, थक्का नहीं जमता है। तो अगर किसी को रक्त ज्यादा बहने लग जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। 17 पे खतरा, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, प्रे करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि इसकी हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी है उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। आगे बढ़े, 18 अप्रैल में विश्व विरासत दिवस। तो देखो, 21 में लड़के की शादी करवाते हैं और 18 में लड़की की शादी करवाते हैं। तो अपन 18 में लड़की की शादी करवाएंगे तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करी अपन ने उसकी प्रे करके 18 साल में क्या कर दिया, प्रे करी, प्रार्थना करी और शादी हो गई। तो अब किसी न किसी की क्या हो गई है, वो विश्व विरासत बन गई है, विरासत बन गई है वो, है ना, हेरिटेज बन गई है किसी के लिए। ठीक, ये याद रखना, 18 में क्या हो जाएगी, विरासत बन जाएगी किसी न किसी की, क्या बनेगी वो, विरासत बन जाएगी। आगे देखते हैं, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे और पृथ्वी दे दो। किसको दे दो पृथ्वी, सभी लोग मांगते हैं पृथ्वी पर राज करने के लिए। कौन आजकल ऐसा व्यक्ति है जो राज नहीं करना चाहता, तो सब लोग बोलते हैं पृथ्वी हमको दे दो। कहां से दे दो भैया, पृथ्वी तुम्हारी अकेले की है क्या, तो दे दो से क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस। आगे बढ़े, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। तो आप 2-3 कॉपी साथ में रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रे करिए, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मैथ्स वगैरह धीरे धीरे हम लोगों का चालू होगा। तो 2-3 कॉपी अपने साथ रखिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस इससे हो जाएगा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हो जाएगा, आप प्रार्थना भी करिए साथ में। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ही पंचायत करते रहते हैं, अभी अपने इसमें भी पंचायत करेंगे बहुत सारे लोग, देखना आप 24 घंटे क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। तो अपन भगवान से प्रे करेंगे उनके लिए, भैया ये पंचायती लोगों को क्या करो, 24 घंटे पंचायत करते इनको चुप करवाओ। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। जिसको मलेरिया हो जाएगा, मच्छर काटेगा, मलेरिया हो जाएगा तो पच जाएगा, 25 में बोलने पर क्या आ रहा है, पच, तो बेचारा पच जाएगा, उसको मलेरिया हो जाएगा तो बेचारा पच जाएगा, अपन उसके लिए क्या करेंगे, प्रे करेंगे। देखो, अक्सर बीमारियां ज्यादा आई, विश्व स्वास्थ्य, हीमोफीलिया, फिर उसके बाद में आपका मलेरिया, ये बीमारी आ रही है, तो प्रे करेंगे भगवान से इसको मलेरिया ठीक करो, बेचारा क्या हो गया, पच गया, 25 से पच गया। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा। 26 को अपने को याद रखना, अपने को कैसे पढ़ना, छवि से पढ़ना है, जिसकी छवि अच्छी होगी वो प्रे करेगा भगवान से कि मुझे बुद्धि भी दे दो, मेरे पास ढेर सारी क्या हो जाए, संपदा हो जाए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसका अप्रैल का याद रखना है, ये भी याद रख लीजिएगा आप दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को याद रखना है। तो ये हो गया अप्रैल का, ये अप्रैल का याद रखना। एक शेर सुनाता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पूरी गजल सुना दूंगा दोस्तों। वीडियो को ज्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता इसीलिए, ताकि आप जितनी जल्दी हो सके चीजों को गेन करें। तुझे भूलू भी नहीं और तुझे याद भी नहीं करूं, नया शेर है दोस्तों, अभी लिखा, जस्ट 4 दिन पहले ही मैंने लिखा हुआ है। तुझे भूलू भी नहीं और तुझे याद भी नहीं करूं, तू दर्द देता रहे मुझे और मैं आह भी नहीं करूं। पूरी गजल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जो मंथ छोटा होगा उसमें सुनाऊंगा। तुझे भूलू भी नहीं और तुझे याद भी नहीं करूं, तू दर्द देता रहे मुझे और मैं आह भी नहीं करूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।